बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पीटीआई इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई है। ये एक अहम तरीन खबर है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहम तरीन डिवेलपमेंट्स भी हैं, जबकि दूसरी जानब हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान क्या बैकडोर मुजाकरात शुरू हो चुके हैं। एक अहम तरीन मुलाकात शहर इकतदार में हुई है, जिसमें तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे ने शिरकत की। इसके साथ ही साथ बैकडोर मुजाकरात के हवाले से शेख रशीद ने इमरान खान को किस बात से खबरदार किया, जबकि हामिद मीर ने बड़ा धमाका और बड़ा इनकशाफ किया है, क्योंकि ये घर के भेदी हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत के और इनके इनकशाफ को लाइट नहीं लिया जा सकता। इन्होंने इस वक्त खतरे की घंटी बजा दी है और कहा है कि इमरान खान की नाअहली से भी बड़ा धमाका होने जा रहा है, यानी कि ये बड़ी अहम डिवेलपमेंट है और अब असल खेल का आगाज होगा। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो मुल्की सियासत का हाल है वो आप सबके सामने है। बैकडोर मुजाकरात, बैकडोर रवाबित, मुक्तदर हलकों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुजाकरात और बातचीत की बातें तो हो रही हैं, लेकिन इमरान खान की नाअहली और इस नाअहली के बाद अवाम का एहतजाज और इमरान खान की तरफ से एहतजाज के लिए निकले हुए लोगों को अपने घरों में वापस जाने की हिदायत, इसने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। मैंने अपने पिछले दिनों में भी इस हवाले से अहम बातें की, लेकिन अब यहां पर अंसार अब्बासी ने एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है बाहमी सियासी तनाजियात पर बहस और उन्हें तय करने के लिए मौजूदा हुकूमत के नुमाइंदों और इमरान खान की जेरे क्यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बराह रास्त मुलाकात हुई है। दोनों फरीकैन के दरमियान 2 रोज कबल मुलाकात हुई और इजलास हुआ। पीटीआई चाहती है कि आम इंतखाबात जल्द कराए जाएं, आइंदा साल मार्च या अप्रैल 2023 के अंदर इंतखाबात हो जाएं और इसके इवज तमाम तर चीजें हो सकती हैं। मिसाक मईशत हो सकता है, इदारा जाती इसलाहत हो सकती हैं और इस सारे मामले के अंदर पीडीएम की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने पर इसरार कर रही है और इस सारे मामले के अंदर मुतलका क्यादत के सामने जो दोनों साइड्स का मौकफ रखा गया है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरह की मुलाकात जो ऐवाने सदर के अंदर इसके जराए बता रहे हैं कि शायद वहां पर दो दो नुमाइंदे पीटीआई, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के 2 दिन पहले मिले, लेकिन अब इससे परसेप्शन ये दी जा रही है कि खान साहब ने नाअहली से प्रेशराइज होकर मुजाकरात किए हैं या सियासी डायलॉग शुरू हुआ है। इसमें हालांकि कोई हकीकत नहीं है। अगर कोई पॉलिटिकल डायलॉग था भी तो उसके बाद खान साहब बहुत सारी चीजें जो हैं वो सामने भी लाए हैं जो ना लाते। और इस सारे मामले के अंदर आपको पता है कि जिस तरह से इमरान खान को नाअहल किया गया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अब यहां पर शर्जील मेमन ने भी एक इल्जाम आयद किया है कि इमरान खान ने नाअहली पर अदालत से गैर मामूली रिलीफ की यकीन दहानी हासिल कर ली है कि उन्हें अपनी नाअहली पर अदालत से एक मरतबा फिर रिलीफ मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो केस का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के पास अब तक क्यों जेरे इल्तवा है, उसका फैसला क्यों नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से पाकिस्तान की सियासत में गंद साफ हो गया, लेकिन जो इंकशाफ उन्होंने किया और जो शर्जील मेमन ने इल्जाम लगाया है कि इमरान खान को अदालत की तरफ से गैर मामूली अनप्रेसिडेंटेड रिलीफ प्रॉमिस किया गया है, ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि इल्जाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी और अदलिया पर भी, और एक डील का तासुर देने की कोशिश है। जबकि इलेक्शन कमीशन की इमरान खान के केस में नाअहल करार देने पर जो फुर्तियां हैं वो सबके सामने हैं और जिस तरह से ये जल्दबाजी में फैसला किया गया इस पर भी जराए दावा कर रहे हैं कि गालिबन एक धमकी दी गई थी कि अगर ये फैसला ना आया तो एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी कि लोग गुजरांवाला जलसे की तकरीर भूल जाएंगे और इमरान खान को फौरी तौर पर नाअहल किया जाए। इसलिए ये फुर्ती और जल्दबाजी में फैसला किया गया और तहरीरी फैसला इलेक्शन कमीशन जारी नहीं कर सका। फवाद चौधरी ने इसीलिए ये बात कही है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में हुकूमत की मर्जी की चीजें शामिल की जा रही हैं और इस सारे मामले के अंदर अब बंद कमरों के जो फैसले होते थे
उसका जमाना गुजर चुका है। अब एक मेंबर के दस्तखत के बगैर ही ना अहली केस का फैसला सुनाया गया, तफसीली फैसला भी नहीं जारी हुआ, और केस का फैसला तो टेक्निकली 19 सितंबर को महफूज किया गया था, पूरे एक महीने से ज्यादा 2 दिन ऊपर गुजर गए ये फैसला जब सुनाया गया, लेकिन तहरीरी फैसला फिर भी नहीं लिखा जा सका। अब अगर इलेक्शन कमीशन ने तफसीली फैसला नहीं लिखा था तो फिर सुनाने की क्या जल्दी थी। बहुत से सवालात इस वक्त खड़े हो रहे हैं और कुछ हिस्से इन्होंने फैसले के जारी किए हैं। इस वक्त यहां पर यह भी इत्तलाआत हैं कि इमरान खान के खिलाफ एक जाल बिछाया गया था, उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करके एमरजेंसी या फिर कुछ इस तरह के मामलात से मुल्क को बचाया है और निजाम लपेटा ना जाए, इसलिए इमरान खान ने यह सब कुछ किया। मैं ये बात पहले ही कर चुका हूं कि इमरान खान ने अपनी सियासत की कुर्बानी एक मरतबा फिर दी है और मुल्की मफाद का नुकसान नहीं किया, जबकि अगर डील होती है या जो डील का एक तासुर दिया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, नहीं एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो मुजाकरात हो रहे हैं, कंप्लीट डील नहीं हुई, लेकिन बहुत सी चीजों पर इत्तेफाक और बहुत से मामलात के बारे में इख्तलाफ भी है। हुकूमत की बात कर रहा हूं, हुकूमत के साथ अगर कोई डील होती जो अंसार अब्बासी ने तासुर दिया है तो दिखता भी। हाँ, डायलॉग का आगाज हुआ है, डील नहीं हुई। अब इमरान खान की नाहली के खिलाफ एहतजाज में पीटीआई रहनुमाओं पर दहशतगर्दी का मुकदमा जो है वो दर्ज ना होता अगर ऐसा होता, और मैं आपको ये बता दूं कि सरकार की मुद्दईयत में थाना I-9 इस्लामाबाद में उनकी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज हो चुका है, यानी हुकूमत इस वक्त सारे इकदाम कर रही है। अब इमरान खान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू किया, इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज किया, जिसमें इलेक्शन कमीशन का फैसला कालेदम करार देने की इस्तदा की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की जानिब से बैरिस्टर अली जफर ने दरखास्त दायर की, दरखास्त में इलेक्शन कमीशन के फैसले को कालेदम करार देने और कल ही हेयरिंग सुनने की दरखास्त इस्तदा की गई। इमरान खान की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से मुतादिद इतराजात आयद किए गए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा कि इमरान खान की नाहली के फैसले की मुसद्दका नकल दरखास्त के साथ मुंसलिक नहीं है और इमरान खान ने बायोमेट्रिक तस्दीक नहीं करवाई। अभी सब के अंदर इलेक्शन कमीशन ये सब चीजें शायद इसलिए भी रोके बैठा है कि फौरी तौर पर ये मामलात ना हो सकें। ये भी मुमकिन है कि जस्टिस अतर मिनल्ला इस फैसले को हैंडल करें। अब सोमवार को ये इस्तदा सुनी जाएगी। असद उमर, अली नवाज आवान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मौजूद रहे। यहां पर एक और क्लेम आया है और क्लेम हुकूमत के अपने घर से आया है, और इलेक्शन कमीशन से इमरान खान की नाहली का जो फैसला आया है ये तो अभी हल्का सा झटका है, क्योंकि शहबाज शरीफ हुकूमत कुछ और केसेस पर काम कर रही है। फॉरेन फंडिंग केस में कुछ बैंकों के चेक्स भी इनके हाथ लगे हैं जो मैंने देखे हैं, ये हामिद मीर का दावा है। अगर वो केस इमरान खान के खिलाफ बन गए तो वो ज्यादा संगीन केसेस होंगे, बल्कि आप इनका इंकशाफ सुन लें, क्योंकि ये हुकूमत के घर के भेदी हैं, वीडियोस भी इन्हें दिखाई जाती हैं, इन्हें पता है कि मर्द और मर्द का स्कैंडल तैयार हो रहा है, ये स्कैंडल सच्चा है या झूठा है और ये केसेस सच्चे हैं या झूठे हैं, ये एक डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन एक चीज फॉर श्योर है कि अगर ये मीर साहब कह रहे हैं तो हुकूमत ने ये बात ऑन द टेबल जरूर रखी होगी। अब यहाँ जरा हामिद मीर की बात मुलाहिजा करें। ये जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, इस फैसले के तहत जो उनकी नाअहली हुई है, ये तो बहुत मामूली सी नाहली है, यानी कि एक टर्म के लिए वो नाहल हुए हैं और अगला इलेक्शन वो लड़ सकते हैं, और वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि कबल अज वक्त इंतखाबात करवाए जाएं। तो ये इंतखाबात जब भी होते हैं, मार्च 2023 में हो या सितंबर अक्टूबर 2023 में हो, जब भी हो इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं। कौमी असम्बली से उन्होंने पहले इस्तीफा दिया हुआ है तो असम्बली में वो जा नहीं रहे, तो इलेक्शन जब भी होगा वो दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं। मेरा ख्याल है ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है ये सिर्फ एक हल्का सा तुनका है, हल्का सा झटका है। ये जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है वो अभी कुछ और केसेस पे काम कर रही है। जी नाजरीन इकराम, आपने हामिद मीर की गुफ्तगू को सुना, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कुछ और भी पक रहा है। परसों ये जश्न मना रहे थे और मिठाई खाने में भी इन्होंने जल्दबाजी कर दी, लेकिन खान साहब को इतना डैमेज नहीं किया जा सका। अब गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि डील भी ना हो, मुजाकरात भी ना हो,
और अगर मुज़ाकरात मुक्तदर हलकों के साथ हो रहे हैं तो इश्तियाल दिला के खान साहब को इदारों के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया जाए और मुज़ाकरात ना हो सकें। खान साहब ने कल एक मरतबा फिर वो मनसूबा नाकाम बनाया है, तो ये अब तक की ताज़ा तरीन डिवेलपमेंट्स हैं। जैसे जैसे ये स्टोरी मजीद आगे बढ़ती है इस पर बात करेंगे। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।